हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन का कठिन समय कब खत्म होगा और एक नई शुरुआत कब होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन का कठिन समय कब खत्म होगा और एक नई शुरुआत कब होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फाइव ऑफ वैंड्स, ग्रीन ऑफ वैंड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, किंग ऑफ पैंट्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखो फोर फोर की एनर्जी आ गई, सॉरी ये सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये फोर की एनर्जी है, सिक्स फोर की एनर्जी आई है। द हैंगमैन, ओके गाइस, आपके जीवन का कठिन समय कब खत्म होगा और एक नई शुरुआत कब होगी। ओके तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक बात बताई जा रही है गाइस कि यहाँ एक विवादों की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है और ये फाइव की एनर्जी के साथ है, जो कहीं ना कहीं कह रहा है कि परिवार को लेकर हो सकता है या बच्चों के साथ हो सकता है किसी प्रकार का मतभेद, जो एक एक ऐसे स्तर पर जाकर पहुंचा है जहां आपका जीवन बहुत ज़्यादा दुश्वार हो रहा है, जहां पर स्थितियाँ तरीके से रुक सी गई है, पूरी तरीके से कहता ना कि लाइफ का बैलेंस उथल फुथल में चला गया है। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि लाइफ का बैलेंस जो है ना उथल फुथल हो चुका है, अभी लाइफ आपकी बैलेंस में नजर नहीं आ रही है गाइस। अब मतलब ऐसा लग रहा है आपकी निगाहों से ना एक चीज नजर आ रही है कि आप किसी बात का ना इंतजार कर रहे हो, इंतजार में आके थक सी गई है, कोई इच्छा भी आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। हो सकता है फिनेंशियल मैटर को लेकर भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है, एक चीज कह सकते हैं गाइस, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, संघर्ष आपको बहुत ज़्यादा सहन करने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा कई सारी चीज़ों के विरुद्ध में जाकर ना आपको फैसले भी लेने पड़े, संघर्षों से आगे भी बढ़ना पड़ा। अभी आपके हाल कुछ ऐसा है गाइस कि आपके मन में ऐसा आता है जैसे काफ़ी सारे झगड़े हो सकता है कि अभी बीते दिनों में आपने देखे हैं, कलह कलेश बहुत ज़्यादा, मानसिक अशांति आपने बहुत ज़्यादा देखी है ना। तो अभी आपका मन कर रहा है, एक इंतज़ार में आप बैठे हो कि कोई कुछ विश आपकी पूरी हो जाए, कोई कामना आपकी पूरी हो जाए तो ठीक है, वरना आप आगे बढ़ना चाहते हो गाइस, आप काफ़ी सारी स्थितियों को छोड़ना चाहते हो कि अब मुझसे ना मानसिक तनाव सहन नहीं हो रहा है, इस स्थिति में अटका हुआ नहीं रहा जा रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हो, जैसे होता ना कि कोई नींद में भी सपने में भी मालिक से प्रार्थना कर रहा है कि मालिक इस स्थिति से बाहर निकालो ना, है ना। मतलब एक आत्मा से कोई इंसान ना एक कहता ना कि हो गया बस, अब इससे ज़्यादा सहन करने की क्षमता मुझ में नहीं है, है ना। मालिक से भी यही कि मालिक अब इससे ज़्यादा की तो आप मुझसे उम्मीद मत करना कि इससे ज़्यादा मैं सहन कर पाऊँ। मतलब ये कह सकते हैं, ये फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी कह रही है कि रिलेटिव्स में इस तरीके के झगड़े देख लेना किसी इंसान का ना, जिसके बारे में उम्मीद नहीं किए थे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परिवार के सदस्यों में, परिवार जन में इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके के एक दूसरे को शत्रु समझने लगेंगे या एक दूसरे के विचारों का इतना विरोध करेंगे। मतलब आपसे समझ कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है गाइस। मतलब एक तो चीज है यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि कोई इंसान गलत करके उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप उम्मीद करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी निगाह एक इंतज़ार को एक उम्मीद के बारे में बात
को बयां करती है कि आप उम्मीद में हो, इंतजार में हो कि किसी को अपनी गलती का एहसास हो कम से कम, है ना। जैसे एक जैसा होता ना कि परिवार जन के लोग एक दूसरे का संघर्ष देखते हैं, गाइस समय के साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे का संघर्ष देखते हैं, एक दूसरे की तकलीफ को देखे हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एहसास है कि आपने किसी की तकलीफ को देखा है, किसी के संघर्ष को देखा है। कोई आपकी तकलीफ को, आपके संघर्ष को क्यों नहीं समझता, आपकी इच्छाओं को क्यों नहीं समझता। जहाँ कहीं भी परिस्थितियाँ क्रिएट होती है ना, तो आपसे त्याग और समर्पण की उम्मीद लगाए रखते हैं। और आपके साथ ऐसा है कि मैं हर बार त्याग कर कर के कितना करूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, है ना। तो हो सकता है कि अभी इस टाइम में आप अपने लिए कोई स्टैंड ले रहे हो, अपनी ख्वाहिश के लिए स्टैंड ले रहे हो, जो कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में, आपके अपनों की नज़र में एक गलत आपकी पर्सनैलिटी जा रही है कि आप बहुत बुरे इंसान हो, बहुत स्वार्थी हो, जो अपने बारे में सोचते हैं। ये भी हो सकता है काश। तो आपके दिमाग में यही आता है कि मैंने हर बार जो त्याग और समर्पण किए, मेरे वो त्याग और समर्पण नज़र नहीं आ रहे, और एक ही चीज़ नज़र आ रही है, और वो है मेरा स्वार्थी होना, या फिर मैंने अपने लिए जो स्टैंड लिया है ना, वो पसंद नहीं आ रहा किसी को, और उसकी वजह से लाइफ में असंतुलन हो चुका है। अभी की स्थिति ऐसी है जहाँ पर एक अटका हुआ सा आप महसूस कर रहे हो। एक्चुअल में आपकी लाइफ में ये बिल्कुल फोर फोर वाली एनर्जी चल रही है कि अगर वर्क प्लेस पर भी आप देखो, आपको मेहनत कितनी करनी पड़ रही है ना। मतलब यहाँ ऊर्जा आपकी बेवजह की चीज़ों पर खर्च ज़्यादा हो रही है, समय आपका फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। आपको सोच विचार भी किसी मामले में बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, मतलब हर तरीके से आपके एनर्जी का प्रभाव और दबाव जो है ना, ये एक्स्ट्रा में नज़र आ रहा है, अति में नज़र आ रहा है, और ये सहन नहीं हो रही आपको कि कोई एक चीज़ पर हो तो समझ लो कि सहन हो जाए। काम पर भी यही हाल है कि वहां पर मेहनत ज्यादा देनी पड़ रही है, जबकि मानसिक तनाव इतना ज्यादा है कि उतनी क्षमता नहीं है किसी इंसान की इतनी भागदौड़ करने की। कोई एक काम करने को जाओ तो वहां पर आपको 2 बार चक्कर काटने पड़ते हैं, 3 बार चक्कर काटने पड़ते हैं। आसान से आसान चीज को ना करने में समय लग रहा है, एकाग्रता भंग होती जा रही है कि जितना शार्प तरीके से कोई काम को आप कर सकते थे ना, उसे करने में आपका समय जा रहा है, समय का दुरुपयोग आपकी लाइफ में हो रहा है, और ये स्पष्ट आपको नजर आ रहा है कि मेरा समय खराब हो रहा है, इसे मैं कैसे ठीक करूं। अगर मैं अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश करूं तो आसपास का वातावरण ऐसा है वो होने नहीं देगा, चाहे ये जानबूझकर कोई करे या ना करे, लेकिन सिचुएशन ये क्रिएट हो गई है, इस जद्दोजहद से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आपके दिमाग में आप फ्यूचर के लिए बचा क्या है, बैलेंस कभी हो पाएगा क्या, लाइफ एक नई शुरुआत हो पाएगी क्या। देखो आपके क्वेश्चन और यह आपके आंसर, क्वेश्चन यही चल रहा है ना, अभी यही चीजें आसपास में दिख रही है, कला कला कला, मालिक कला से छुटकारा दिला, है ना। इतनी बहसबाजी करने वाली क्षमता शेष नहीं रही है ना। और हाल ये भी है कि एक अगर आप बड़े हो और आपके बच्चे अगर आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं, आपकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर आपके सामने कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिसरेस्पेक्ट करे, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को कम करने वाली बात का है, या कुछ ऐसा बिहेवियर करना कि आपको ये अपने बिहेवियर से जताना कि आपकी तुलना में और लोग उनके लिए महत्व ज्यादा रखते हैं। एक जानकर कहते हैं ना कि इमोशनली तरीके से किसी को हर्ट करना, इंटेंशन रखकर, मे बी ये आपके साथ हो रहा है। तो चीजें एक कहते हैं ना कि ऐसे बिहेवियर आपने सहन किया है जिसकी शायद आपने कल्पना नहीं करी होगी, या कभी आपने ये कहा होगा कि लोग किस तरीके से अपने से बड़ों के साथ बिहेवियर करते हैं, और वो चीज आज आपको ही देखनी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ ना, अंदर ही अंदर जो एक घुटन आपके है, या कुछ ऐसी महसूस आपको हो रही है जिसके बारे में आप किसी को कह नहीं पा रहे। कहो क्या आपकी पीड़ा इस तरीके की है कि जिसे आप किसी को समझा नहीं सकते। आपके हाल यही है कि अब ये समझना होगा तो मालिक समझेंगे, लेकिन ये अंदर ही अंदर रहेगी, आप इसे किसी को कहना ही नहीं चाहते।
एक उम्मीद कि कोई खुद समझ जाए कि अब ये बुरा कर्म ना करे। आपको भी पता है बुरा कर्म करेंगे तो भोगेंगे, और आपको डर भी लगता है ना? समझ में आ रहा है गाइस? क्या कितना दिमाग में चल रहा है, कितना शांत होने की कोशिश करो, है ना? शांत, बिल्कुल शांत। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। जिनको अपनी गलती का एहसास होना है, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। चिंता मत करो। अभी आपके मान सम्मान के स्तर को कम करने की कोशिश की जा रही है, ये जताने की कोशिश की जा रही है कि लोग आपसे बड़े हैं। आसमान हमेशा आसमान ही रहता है, ये आप अपने दिमाग में रखना गाइस, है ना? आसमान हमेशा आसमान रहता है, आसमान के ऊपर कोई नहीं होता, ठीक है? बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमेशा अपने माता पिता के सामने वो बच्चे ही रहेंगे। आप मालिक से ही प्रार्थना करना कि मालिक बच्चों को ना सद्बुद्धि दो, सही राह पर वो आए। अगर गलत संगत है तो गलत संगत से इन्हें छुटकारा मिले, है ना? ये अपने कर्म खराब ना करें, ये सदमार्ग पर चले, अच्छे कर्म करें, है ना जी? और इन्हें अगर कोई गलत फहमी हुई है तो इनकी गलत फहमी को दूर करें। यहाँ पर ना केवल बच्चों के बारे में, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपसे एज में जो छोटे हैं, मे बी हो आप हो सकता है कि आप मे बी हो सकता है आपके भाई बहन है, उनका बिहेवियर आपके प्रति, मतलब जैसा एक क्या लग रहा है कि एक समय में ना जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि ये आपके साथ अभी बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, ये एक समय में आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते थे गाइस, बहुत लगाव था आपके साथ, आपकी एक एक बात को मानना, है ना, आपके कहे अनुसार चलना, आपको बहुत रेस्पेक्ट करना, और अभी के हाल बिल्कुल इसके विपरीत है। अभी आपकी बात को कैसे काटना, आपको नजरअंदाज कैसे करना, डिसरेस्पेक्ट कैसे करना, ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है। बिल्कुल उल्टा बिहेवियर आपको देखने को मिला, और आपको यही महसूस हो रहा है ये वो इंसान नहीं है, शरीर है मात्र, ये वो इंसान नहीं है। एक्चुअल में कठिनाई आपके घर परिवार से या आपके आसपास के वातावरण से आपको बहुत ज्यादा है। स्पेशली मैं कहूँ ना, आप चाहते हो मानसिक शांति, आप किसी के साथ बहसबाजी नहीं चाहते, चाहे ये आपके वर्क प्लेस पर हो ना, वहां पर भी दिक्कत है आपको। वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि एक तो काम का बर्डन आप पर बहुत ज्यादा पड़े, और स्थिति क्या है, आपसे अभी ये नहीं है कि आप में आलस आ रहा है, लेकिन मानसिक तनाव झेल झेल करना किसी इंसान की क्षमता कम होती है, वो काम में अपनी एकाग्रता को लगा पाए, काम को अच्छे से कर पाए। आपकी उलझने क्यों बढ़ रही है कि एक तो आप झगड़े देख रहे हो, घर परिवार में भी हो सकती है, किसी इंसान इंसान विशेष से हो सकता है कि आपका मतभेद चल रहा है, तो एक वो तनाव है ना कि एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग में, वही चीज़ आ रही है कि डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल नहीं रही। दूसरा, उसकी वजह से आपको नींद ना आना, आपके हेल्थ पर इश्यू आना। तीसरा, आपकी एकाग्रता भंग होना। चौथा, आपका समय का दुरुपयोग होना। दुरुपयोग कैसे, कि कोई काम जिस समय में, जितने समय में बन जाना चाहिए उससे ज्यादा समय लग रहा है, तो ये समय का दुरुपयोग या समय की बर्बादी होते हुए देखते हो ना, इससे आप परेशान होते हो। चौथा, आप कैसे भी करके अपना काम, जितना आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाने की आप जितनी कोशिश करते हो, किसी और का भी काम आप पर आ जाता है। मतलब आप पर अभी ना केवल अपना, गाइस मुझे ऐसा लगता है बर्डन यही है कि मैं अपना तो संभालूं, मुझ पर और लोगों का भी काम का बर्डन है। मतलब यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी नहीं आई है, लेकिन एनर्जी बिल्कुल कुछ वैसी है कि कोई एक रास्ता मिल जाए जहां से मेरी राह आसान हो जाए, मेरा जीवन आसान हो जाए, ये मेरा कठिन समय खत्म हो जाए। एक्चुअल में ये आपकी 4-4 नंबर जो है ना, ये आपको बहुत दिखे होंगे गाइस, बहुत ज्यादा दिखे होंगे, जो एक बार तकलीफ का माहौल क्रिएट करते हैं गाइस, जो एक बार लाइफ में संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, जहां पर आप शब्दों में भी देखना गाइस, कि आप किसी को कोई बात कहने की कोशिश करो, सरल से सरल बात को समझा ही नहीं जा रहा है, उसे भी आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कहना पड़ रहा है। और एक कहते हैं ना, कोई इंसान यूँ थक कर देखता है कि लोग जानकर कर रहे हैं, या समय ऐसा चल रहा है, या मेरे कहने में गलती है।
ये चीजें आपके साथ चल रही है, आपकी बात को समझा नहीं जा रहा है। यहाँ ऐसा भी लग रहा है गाइस के आसपास में अपने अपने नजदीक के लोग भी आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। एक्चुअल में जो आपका एक्शन चल रहा है सही चल रहा है, डायरेक्शन में आप सही चल रहे हो, लेकिन नजर में ना गलत आ रहा है, मतलब आपके लिए गलत फहमियां ज्यादा क्रिएट हो रही है। वर्क प्लेस पर यही हाल कि और लोगों के काम का बर्डन आप पर आ रहा है, तो आपको स्ट्रेस हो रहा है, कहीं ना कहीं आप वापस से अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करते हो, तो वहां पर भी माहौल बिगड़ना, तो कुछ ऐसा कि माहौल बिगड़ा हुआ सा आपके आसपास में आपको लग रहा है, जहां से आप फ्री होना चाहते हो, आप चाहते हो ट्रांसफर भी हो जाए, है ना। एक ये भी दिमाग में आ रहा आपका आपको, या फिर ये भी आ रहा है कि जैसे होता है ना कभी किसी इंसान के ना लाइफ में एक अति तक में कोई बात आ जाती है कि काम को छोड़कर दूसरा काम स्टार्ट करें, इतने तक में आपका दिमाग, मतलब एक कहते हैं ना गाइस की बैलेंस बनाने वाली स्थिति नहीं होती। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान को ना ये स्पष्ट पता चल गया है कि सारे तरीके अपना लिए, लेकिन एक ये वातावरण जो बना हुआ ना इसे इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जैसे कहता ना प्रेम पूर्वक समझा लेना, प्रेम से बात अपनी तरफ से कर लेना, अपनी तरफ से कोई पहल कर लेना, बट वो चीजें हो ही नहीं रही है टोटल। जैसे कहते हैं ना कि आपके व्यवहार को या आपके संवेग को, चाहे वो गुस्सा हो आपका, प्यार हो, इन हर चीजों को ना इग्नोर, नेगलेक्ट, और ये चीज ना अंदर से आपको आपको कचोटती है कि ऐसा बिहेवियर आप सहन करना या डिजर्व नहीं करते, है ना। एक होता है गाइस कि कभी ना कभी तो किसी इंसान के स्वाभिमान पर कोई बात जाती जाती है, और ये अभी आपको क्लिक किया है कि आपके स्वाभिमान पर कोई बात जा रही हो और वो आपको सहन नहीं हो रही। आप चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ना, आप चाहते हो लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, प्रार्थनाएं चल रही है, ठीक है, प्रार्थनाएं चल रही है, और आपके जीवन का कठिन समय भी खत्म हो रहा है। कहते हैं ना हर चीज की एक अति एक परिवर्तन लेकर आ जाती है, अति हमेशा एक बदला हुआ रूप लेकर आती है गाइस, है ना। घड़ी का सुइया कभी भी एक नंबर पर नहीं रुकता, वो भी बदलता है। तो इस बदलते हुए समय के लिए जो आप इंतजार कर रहे हो ना, ये आपके लिए आ रहा है, ये आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा गाइस, ये आपके ऊपर लगे आरोपों को हटाएगा, ये आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करेगा, ये आपको मानसिक शांति देगा गाइस, मानसिक और अस्थिरता है वो निकालेगा और एक स्टेबिलिटी देगा गाइस। जो प्यार और लगाव के लिए आप तरस रहे हो ना, वो प्यार वो लगाव आपको मिलेगा। कोई ऑफर भी आने वाला है, कोई ऐसा आपके फ्यूचर को सुरक्षित करने वाली व्यवस्था मालिक आपके लिए कर रहे हैं जो आप चाहते थे। ये देखो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, इसके साथ डेथ का कार्ड आया है। अब ये एक बहुत विचित्र बात होगी आपके साथ, आपकी इस कठिन समय को खत्म करने के लिए। देखो टॉपिक के अनुसार कार्ड आया है कि आपका कठिन समय कब खत्म होगा और नई शुरुआत कब होगी। डेथ का कार्ड एक एंडिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। ये एंडिंग किस बात को लेकर हो रही है? 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कोई गुड न्यूज आएगी आपके पास, कोई ब्लेसिंग मालिक की तरफ से आपके पास आएगी, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, लेकिन होगा जरूर। ये क्यों क्या होगा, ठीक है, ये होगा डेथ के पास के साथ में ये 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ये आपकी लाइफ में अभी की कौन सी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जिससे आपको लगता है कि आपका जीवन कठिन हो रहा है, दुश्वार हो रहा है। ये रीडिंग देखते समय जो बात आपको क्लिक करी है, जो प्रॉब्लम आपको क्लिक करी है ना, उसके खत्म होने के बारे में कहा जा रहा है, उस प्रॉब्लम के खत्म होने के बारे में बात कही जा रही है, ठीक है। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आ रही है कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जल्द खत्म हो जाए, ये कठिन समय आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, ठीक है। क्योंकि नई शुरुआत के कार्ड एस ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आपको बदल कर, आपकी स्थितियों को बदल कर, आपको मालिक का भरपूर प्यार देकर, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आकर, आपकी एनर्जी में बैलेंस लेकर आकर एक नई शुरुआत करना गाइस। चीजें बिल्कुल व्यवस्थित, कितने सारे हिस्से प्रभावित हैं उन सबको ठीक करना गाइस, है ना। आपके सर का पेन आपको बहुत ज़्यादा रहता है, ये ठीक होगा।
ठीक है। और एक आपको एक किसी प्रकार की रिकवरी लग रही है गाइस, हो सकता है कि किसी का ऑपरेशन या ऐसा कुछ हुआ है, कोई गंभीर चोट लगी है जिसकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी ना, वो रिकवरी भी होने की संभावना है गाइस। हेल्थ का बहुत बड़ा इशू जो है ना वो ठीक होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मालिक को धन्यवाद करना कि ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो रही है बहुत जल्द, और जो लाइफ में चाहते हो ना गाइस वो सब कुछ प्राप्त होने वाला है, उससे उसको लेकर सारी नकारात्मकता खत्म होने वाली है। एक्चुअल में आपका जीवन का संघर्ष तो खत्म होगा गाइस, कठिन समय खत्म होगा। और इसके लिए देखो मैं पहले आपको समय बता दूँ ताकि आपको एक तसल्ली हो जाए, 8 हफ्ते, ठीक है, या हद से हद कह सकते हैं गाइस 8 या 7 या 8 हफ्ते कह सकते हैं कि इनफ है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर 6 7 8 की एनर्जी आई है, 6 7 और 8 की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं कह रही है कि उसी मूवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो जो आपकी लाइफ को खुशी से भरने वाला है गाइस, जो आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग लेकर आ रहा है गाइस। टेम्परेंस के साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, बैलेंस लेकर आना गाइस, लाइफ में ग्रोथ लेकर आना, ठीक है। आपको रेस्पेक्ट मिलनी, मान सम्मान मिलना, इक्वेलिटी मिलनी, ठीक है, आपकी राह का आसान होना। अगर कोई डायरेक्शन आपको नहीं मिल रही थी तो कोई डायरेक्शन मिलनी, फिनेंशियल मैटर को लेकर अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर भी जस्टिस आपके साथ होना गाइस, कि आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिले, आपके प्रयास खाली ना जाए। असफलता से सफलता की दिशा पकड़ लेना गाइस, यानी आपको जीवन में सफलता का मिलना है ना, क्योंकि ये 6 का कार्ड भी है जो एक तरीके से ये कह सकते हैं सफलता के बारे में ही बात करता है, ठीक है। और पेंटिकल्स की एनर्जी आई है साथ में ये भी कह रहा है कि आपका वीनस अच्छा होना गाइस, लोग आपसे प्रभावित हो, ठीक है, लोग आपके साथ अच्छा बिहेवियर करें, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ इतनी आसान हो, इतनी सुखद हो, ठीक है, कि आप जो भी लाइफ में चाहते हो अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए, वो सब कुछ आप कर पाओ, और साथ में आपके पास इतना व्यवस्थाएं हो, इतनी सुविधाएं आपके पास हो, का आप और लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करो, मतलब आपके अच्छे कर्म बहुत होंगे गाइस। एक मिरर नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे गाइस, 4 6 6 4, ठीक है, या फिर 8 8 8, या फिर 6 6 6 5 5 की एनर्जी, ये चेंज के बारे में बात कर रही है गाइस। ये आपको पावर में लेकर आने के बारे में, आपको अथॉरिटी में लेकर आने के बारे में, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो संभावना बहुत ज़्यादा है गाइस, तैयारी करो, इस बार आपको असफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। आप सफलता पाओगे, यहाँ पर डेफिनेटली किसी के प्रशासन में जाने की संभावनाएं हैं, गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावनाएं हैं गाइस, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट जॉब के बारे में भी देख रहे हो तो पक्का, क्योंकि यहाँ पर आपको पावर में लेकर आना, आपको फिनेंशियली सेफ्टी देना, इसके बारे में कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा है। अपनी मेहनत को कंटिन्यू में रखो, आपको आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, सफलता से आप कहीं दूर नहीं हो, ठीक है, आपके भाग्य में लिखी हुई है। और रहा आपकी आसान होगी, यहाँ एक और बात कही जा रही है गाइस कि आने वाले समय में कोई भी आपके इमोशंस का फायदा आपका नहीं उठा पाएगा गाइस, कोई भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये टेम्परेंस का कार्ड कहता है एनर्जी का बैलेंस में आना, और आपकी बुद्धि इतनी और शार्प हो जाना कि कोई अगर आपको छलने की भी कोशिश करे ना तो आप संभल जाओ, आप किसी के कहता ना कि लालच में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना, कोई आपका ब्रेन वॉश ना कर पाए। जैसे यहाँ पर ये कार्ड कहता है वाटर की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स वाटर की एनर्जी है, इमोशंस का हद से ज्यादा उड़ेलना किसी भी परिस्थिति पर, तो वहां पर आपकी इमोशंस बैलेंस में आना गाइस, आपके इमोशंस का कोई फायदा ना उठा पाए, आपकी एनर्जी बैलेंस में आना, सही गलत के भेद होना गाइस, मतलब लाइफ में कभी ठोकर ना खाओ, ठीक है। तो ये लाइफ का आसान होना ही हुआ गाइस, संघर्ष तो कम होने ही हुए है ना, कि धोखे और छल कपटी लोगों से आप बच पाओ, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए ही ना। और बिल्कुल कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में अब वही सकारात्मक एनर्जी आपकी लाइफ में आएंगी जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में, ग्रोथ दिलाने में मदद करे, क्योंकि यहाँ पर डेथ के पास में जैसा मैं बता रही थी 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है जो आपकी प्रॉब्लम, आपके संघर्ष, आपकी कठिनाइयों के खत्म होने की पूर्णतया सहमति देते हैं ना, पूर्णतया यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से समूल रूप से खत्म हो रही है, चाहे वो झगड़े हो, विवाद हो,
किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम खत्म हो होकर आप आगे बढ़ रहे हो गाइस, ये मूव ऑन का कार्ड है। ये किसी इंसान विशेष से नहीं है गाइस, ये परिस्थितियों से मूव ऑन करने के बारे में है, ये परेशानियों के खत्म होने के बारे में है। ये द स्टार का कार्ड क्या कहता है, इतने तक में सीमित नहीं है कि कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ या कोई सोर्सेस आपके पास आए। आपका भाग्य आने वाले समय में आपसे, जो आपको एक शिकायत है ना कि समय का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, समय का क्या सदुपयोग होता है और आपको मेहनत कितनी करवाई जाती है, मेहनत करोगे का संघर्ष, संघर्ष नहीं कह सकते हम, जब हम अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, उन्नति और तरक्की के लिए जब काम करते हैं ना, तो उसे हम संघर्ष नहीं कह सकते, उसे हम मेहनत कर कहते हैं, हमारी सक्रियता कहते हैं, है ना। तो वो आपको आने वाले समय में पहचान दिलाएगा, जैसे मैंने कहा ना, अथॉरिटी, एक पावर में आना दिखाई दे रहा है, तो आपकी मेहनत खाली जाते हुए नजर नहीं आ रही है। चाहे जिस भी तरीके से आप मेहनत कर रहे हो ना, आपकी मेहनत का सफल होना दिख रहा है गाइस। और जैसे कहते हैं ना कि गाइस की समय दर समय आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो एक समय ऐसा आता है जहां पर हमें मेहनत कम करनी पड़ती है पर परिणाम ज्यादा शुभ निकल जाते हैं हमारे लिए, वो होता है भाग्य का साथ। तो ये भी मोमेंट आपकी लाइफ में बनने वाला है, ये आपका भाग्य पहले से बता रहा है, ठीक है। तो रेस्पेक्ट आपको बहुत मिलेगी और एक नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही है। 7 से 8 हफ्ते में कोई विश पूरी होती हुई या कोई एक पैटर्न गाइस, पक्का कह लो, पक्का कह लो, किस तरीके से समझाऊं, चाहे कला कलेश को लेकर दुखी हो, चाहे कोई इंसान परेशान कर रहा है, चाहे कोई शत्रु परेशान कर रहा है, चाहे कोई नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ कठिन हो रखी है, जहां पर आपका दिमाग अटक गया है ना, वो प्रॉब्लम 7 से 8 हफ्ते में पूरी तरीके से खत्म होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ने आपके जीवन को कठिन किया है और ये प्रॉब्लम खत्म होकर आपके जीवन को आसान करेगी। कहते हैं ना कि शाप का वरदान बन जाना, है ना। तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जा रही है, इसे जाने दो और सकारात्मक रहो, और आप मालिक पर बिलीव रखो, बैलेंस फिर से, संतुलन फिर से आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर होप रखने के लिए कहा जा रहा है गाइस, आप ना उम्मीद हो रहे हो ना, ना उम्मीद मत हो। देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, सुविधाएं, सोर्सेस अपने आप आने, कोई ऑफर आएगा गाइस काम को लेकर। देखो मुझे ऐसा लगता है इतनी अच्छी गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है, 7 से 8 हफ्तों में ना जॉब की संभावना लग रही है गाइस, चाहे प्राइवेट जॉब को लेकर देख रहे हो, गवर्नमेंट जॉब को लेकर देख रहे हो, संभावना ही लग रही है गाइस। अगर एग्जाम दे रखा है या रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कॉल का वेट कर रहे हो, ऐसा खुशखबरी देने वाला कॉल आने वाला है जिससे ना मन प्रसन्न हो जाएगा, सच में ऐसा लगेगा कि मेरी कामना पूरी हुई है। ये आने वाले 7 से 8 हफ्ते आपके एक जीवन के पैटर्न को चेंज करेंगे गाइस, आपकी दिनचर्या को बदलने वाला है, ये मानकर चलो, है ना। बिजी भी बहुत रहोगे, काम भी अच्छा चलेगा, कुछ अच्छा लाइफ में होगा, मतलब 7-8 हफ्तों में लाइफ की गाड़ी लगेगी आपको कि पटरी पर आ गई है, मतलब खुद की नजरों में अहमियत का बढ़ जाना, खुद को प्रभावशाली मानना, ऐसा लगना कि कुछ काबू में है मेरे, है ना, कुछ मेरे काबू में है, मुझे भी मालिक ने मतलब पावर में लेकर आए हैं मुझे, ऐसा आपको एहसास होगा गाइस। कुछ तो होगा, कुछ ऑफर आएगा, कुछ अच्छा जो आप चाहते हो ना, इन 7-8 हफ्तों में होकर रहेगा, जहाँ आपको लगेगा पक्का कि आपके संघर्ष या कठिनाइयाँ कम हुई हैं, कुछ तो जस्टिस हुआ है आपके साथ, आपके हालातों को लेकर, आपके भावों को लेकर। ये देखो सेक्रीफाइस का रिवॉर्ड है, कहा ना उम्मीद करो मेरे शेर, यहाँ पर एक मिरेकल के बारे में कहा जा रहा है, आपको आभास भी नहीं है, आपको नंबर 2 और 12 साथ में नजर आ रहे होंगे, 2 बार कोई खुशी हो सकती है फिर से आपको मिले जो आप डिजर्व करते हो, आपको पता भी नहीं है, उल्टे खड़े हो, सिचुएशन के विपरीत खड़े हो, वहां पर ध्यान जा रहा आपका जो चीजों पर ध्यान जाना नहीं चाहिए। आप हाथ जोड़ रहे हो किस तरीके से देखो, और आपको पता नहीं है आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग आएगी, जैसे ये कार्ड है, कभी कभी कोई इंसान इतना ज्यादा दुख भोग लेता है ना, वाकई में ना उम्मीद हो जाता है और खुद पर, खुद के भाग्य पर विश्वास नहीं होता।
जैसा अभी मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान चाहता है अब मैं सेक्रीफाइस कर करके, त्याग समर्पण कर करके कितने करूं, मेरी भी लाइफ है ना, एक स्वाभिमान पर बात आई है। और जब कोई इंसान ना खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए, जब कोई आपका अपमान करे ना गाइस, तब एक ही चीज करना, यहाँ पर आपके ना दिल की बेबसी यही नजर आ रही है, अपमान बहुत ज्यादा सहन किया है, सबसे ज्यादा जीवन तो उसी वजह से कठिन हो गया, क्योंकि मन जो है ना वो मस्तिष्क का साथ नहीं दे रहा, मन उस तकलीफ को भूल नहीं पा रहा, और दिमाग कह रहा है आगे बढ़ो, कब तक झेल कर रहोगे, है ना। उसके संबंध में एक बात कहूँ कि जब लगे ना अपमान बहुत ज्यादा हो रहा है, तो खुद की नजर में वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट कर दो, अपनी जीत के लिए खुद भागने की कोशिश करो, है ना, दौड़ दौड़ो वो खुद के साथ न्याय की, फिर देखो ईश्वर का चमत्कार, फिर देखो परमात्मा का साथ आपको कितना मिलता है, कि बंदे ने अपनी तरफ से खुद के लिए एक्शन लिया है, सबसे पहले सेक्रीफाइस के, जो ये त्याग और समर्पण लोगों को नजर नहीं आ रहे थे ना, वो अब नजर आएंगे, कोई दोबारा खुशी आपके पास आएगी जो आप चाहते हो, जो आपके लिए है, जो आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए है, एक मिरेकल है गाइस, आप मानो ना मानो आपका भाग्य लेकर बैठा है, मिरेकल, ठीक है, चमत्कार। ओके, ये एनर्जी जो है ना, देखो समझो इस बात को, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, और ये एक नई शुरुआत के बारे में, ठीक है, और 12 का नंबर भी है ना, ये भी एक एंड के बारे में, एक एंड के बारे में बात करता है, जो डेथ का कार्ड भी कहता है, ये कंफर्मेशन आपको देने के लिए है ना, और ये नंबर 1 का कार्ड एक नई शुरुआत के बारे में, एक नए चैप्टर के बारे में, एक पूरी तरीके से पैटर्न के खत्म होकर एक नए पैटर्न की शुरुआत के बारे में, एक नया है पन्ना का इस लाइफ का, जो सुखद है, जो यहाँ पर भी मन को संतुष्ट करने वाला, यहाँ पर भी मन संतुष्ट हो रहा है, खुश हो रहा है, मुझे लाइफ में कुछ मिलना स्टार्ट हुआ है ना, और नहीं जीना गाइस, जीना, 7-8 हफ्तों में आप क्या चाह अनुसार कुछ होने वाला है, कुछ होगा गाइस, जहां पर आप वाकई में आप मालिक को धन्यवाद 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 करते रहोगे, देखना, क्योंकि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी, सच में। ये रिवॉर्ड देखो, अपमान या निंदा प्रशंसा में बदलेंगे, ठीक है, डिसरेस्पेक्ट हो रही थी तो आपकी रेस्पेक्ट होगी, आपके विचारों को नहीं समझा जा रहा था तो आपके विचारों को समझा जाएगा, आपको प्रशंसा का पात्र बनाया जाएगा, है ना। और एक जैसा होता है ना कि अपने इमोशंस जो होते हैं ना, सबके सामने कैसे शेयर करें, अकेले में, मतलब मन में इतनी खुशी होना कि ये अकेले में वो एक्सप्रेशन आने आपके, कि मालिक मुझे सच में ये प्रशंसा मिली इतनी, मैं इतना प्रशंसा का पात्र हूँ, या ये ब्लेसिंग मुझे मिली, क्या मैं वाकई में इसका हकदार हूँ, मैंने नहीं सोचा था, मैंने आप पर भी ट्रस्ट करना बंद कर दिया था कि आप कभी मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें अच्छी करोगे, या कुछ रिकवरी लेकर आओगे, या मुझे भी इतना मान सम्मान मिलेगा, ये आने वाला समय आपके लिए मान सम्मान लेकर आ रहा है, और आपका डर दूर कर रहा है, कुछ मामलों को लेकर आपका डर है ना, वो डर दूर हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो नंबर 12, और यहाँ पर ये देखें तो नंबर 13 की एनर्जी है गाइस, एक कदम आगे बढ़ना, एक नई शुरुआत पक्की है गाइस, और ये नया चैप्टर, बिल्कुल कहते हैं ना गाइस, अभी आप बिलीव नहीं करोगे, आप कहोगे मैम ये आप ना बहुत एक्स्ट्रा में कह रहे हो, नहीं, जैसे किसी इंसान की किस्मत का उस लेवल तक में ना साथ देना, कि सिक्का इस और हो तब भी वो आपके पक्ष में बात करे, सिक्का इस और हो तब भी वो आपके पक्ष में बात करे, और सिक्का अगर खड़ा भी रह जाए ना तब भी आपके पक्ष में बात करे, ये भाग्य का साथ गाइस, ये देखो गाइस, हम देखते हैं कि ऐसे भाग्य का साथ कई सारे लोगों को मिलता है, तो हम ये उम्मीद क्यों नहीं कर सकते कि हमें भी ऐसे भाग्य का साथ मिलेगा, और ये भाग्य आपके लिए लेकर बैठा है गाइस, लेकिन आपको उम्मीद कब होगी, या आपको बिलीव कब होगा, जब आप इसे साक्षात करोगे, और ये होगा, यहाँ पर मिरेकल के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर मन की संतुष्टि, विश फुलफिलमेंट,
ना, इमोशनली फुलफिलमेंट होना, पीस मिलना, मानसिक शांति मिलना, यहाँ पर प्रशंसा का पात्र बनना, ठीक है। और प्रॉब्लम तो खत्म है। बैलेंस, टेम्परस का कार्ड आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है विथ जस्टिस, ये बैलेंस, ठीक है। ट्रिपल वन की एनर्जी आपको नजर आ रही होगी, या 1221, ये 1331, ये मिरर नंबर नजर आ रहे होंगे। ये बैलेंस पूर्णतया बैलेंस के बारे में, संतुलित जीवन के बारे में बात करता है गाइस। उपलब्धि आपको किसी तरीके की मिलने वाली है, आप मानो ना मानो, आने वाले समय में किसी बड़े रिवॉर्ड के लिए तैयार रहना, और किसी बड़ी पार्टी के लिए, किसी सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहना, ठीक है। क्योंकि 4-4 की एनर्जी 444 में बदल चुकी है, हर तरीके की रुकावटों को खत्म कर रही है गाइस, ठीक है। तो एक बात कह सकती हूँ कि जीवन आपका सुरक्षित होने वाला है। किसी प्रकार का डर था तो उस डर को दूर कर दो, या अगर ये मन में आ रहा था कि आपकी इमेज लोगों के सामने बहुत बुरी प्रेजेंट हो चुकी है, समय आपकी इमेज को साफ सुथरा करने वाला है। निश्चिंत होकर रहो गाइस, डेफिनेटली कह सकती हूँ, डेफिनेटली कह सकती हूँ, और डेफिनेटली कह सकती हूँ, एक नई शुरुआत आ रही है। चार कार्ड कंफर्म करने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए आए हैं। सोचो आपको एंजल्स नंबर कितने सारे नजर आ रहे हैं, आपको साइन कितने सारे मिल रहे हैं, बार 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 लगातार आपको तसल्ली देने के लिए। बुरा समय खत्म हुआ, नई शुरुआत हो चुकी है। अब कोई भी प्रॉब्लम पलट कर दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आएगी। कभी भी जितना अपमान आपने सहन किया है, वो कभी भी सहन नहीं करना पड़ेगा। खुश रहो, ये फलेगी और ये फल कर रहेगी। अब चाहे रोज मैं कहती हूँ इसे क्लेम करना, आज कह रही हूँ क्लेम करो ना करो, तब भी ये आपकी रीडिंग फलेगी, देखना। मालिक के अच्छे बच्चों के साथ अच्छा वो कर रहेगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।